नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर के थाना कछवा अंतर्गत ग्राम सबेसर से है। आज यहां के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव के कुछ लोगों द्वारा रास्ता रोका जा रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारा साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है और साथ ही साथ ग्राम प्रधान भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीणों के साथ अनुपम न्यूज की एक खास बातचीत। लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, कहां से आए हैं? सबेसर गांव से आया है, कछवा थाना से हैं। हम लोगों का रास्ते का मैटर है सर। अच्छा, क्या मामला है? मामला यह है कि हम लोगों का रास्ता एकदम पैक है, हैं। आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं जिलाधिकारी से? रास्ते का मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार गौतम। मनीष जी, आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हम लोगों को मांगे हैं रास्ता के लिए, और रास्ता में जो है कि हम लोगों के यहाँ वहाँ जाने के लिए न तो एम्बुलेंस, न तो शादी विवाह में किसी प्रकार का जाने का वहाँ कोई साधन ही नहीं है। मतलब कि हम लोग चले जाए उस रास्ते से, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी घेर लिए हैं, और कुछ लोग हम लोगों को बदतमीजी से गाली गलौज दे रहे हैं, जो कि पैदल आ रहे हैं डांड़ पकड़ करके। अच्छा, हाँ, कहाँ का मामला है ये? सबेसर गांव का मामला है, मजमा ब्लॉक का। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग जिलाधिकारी? और ना हम लोगों के साथ प्रधान है, ना तो हमारे साथ कोई है, हम लोग अकेले हैं, हम लोग अपना अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। मिलना है मिलेगा, नहीं तो हम लोग सब लोगों को मार डाले सरकार। सबका सबके मुंह आ दे पुलिस से सरकार।